गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स 11th क्लास में घर्षण। घर्षण क्या होता है ये पढ़ेंगे, घर्षण के प्रकार पढ़ेंगे, घर्षण के नियम पढ़ेंगे, फिर घर्षण कोण, विराम कोण, है ना। तो ये आज का टॉपिक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है घर्षण। घर्षण क्या होता है, टॉपिक है घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण क्या होता, देखिए, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, तो उन दोनों पिंडों के संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है। एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर जब चलाएंगे तो जहाँ दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है। और जो बल कार्य करता है वो गति का विरोध करता है। यदि आप वस्तु को उधर खिसका रहे हो तो वो जो बल लगेगा उसको इधर रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। यानी जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है तो उन दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। उस गति विरोधी बल को ही क्या कहा जाता है, घर्षण या घर्षण बल, ठीक है ना। जब एक पिंड के ऊपर दूसरे पिंड को चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले गति विरोधी बल को घर्षण या घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। और ये घर्षण का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, वस्तु का खुरदुरापन। कोई भी सतह ऐसी नहीं है जो पूर्णतः चिकनी हो, कुछ ना कुछ खुरदुरापन उसमें अवश्य होता है। इसीलिए दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। लगता होगा एक अच्छी फर्श है और उसमें एक बंटी को हम ऐसे लुढ़का देंगे तो कभी रुकेगी ही नहीं लगता होगा, लेकिन कभी न कभी वो रुक जाएगी। और जब रुक जाएगी तो रोकने वाला बल कौन है, घर्षण बल। यदि घर्षण बल कार्य ना करे ना और कोई बाह्य बल ना लगाए तो किसी वस्तु को ऐसे मान लो धक्का दे दे तो चलने लगे तो चलती रह जाए, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं होता तो भी रुक जाती है। तो इसका मतलब कौन रोका, घर्षण बल, ठीक है ना। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है तो उन दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले गति विरोधी बल को घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो है दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण होता है, एक गतिक घर्षण, ठीक है ना। एक होता है गति स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण वो होता है कि पिंड को चलाने का प्रयास करो पर चले ही ना, पिंड को चलाने का प्रयास करो पर चले ना, तो उस समय उन दोनों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। और जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है, चलता भी रहता है, और उन समय में दोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसको कहा जाता है गतिक घर्षण, ठीक है। गतिक घर्षण में दो प्रकार का होता है, एक सर्पी बल घर्षण होता है, एक बेलन घर्षण या लोटनिक घर्षण बोल सकते हो, है ना। यानी गतिक घर्षण में दो प्रकार होता है, एक सर्पी होता है, दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। सर्पी वाला मतलब क्या होगा, उसमें वस्तु फिसलेगी तो सर्पी, और एक में क्या होगा, वस्तु क्या होगी, लुढ़कते हुए चलेगी। लुढ़कते हुए चलने का मतलब होता है कि हर भाग जैसे मान लीजिए यदि ये कहा जाए साइकिल को चलाते हुए ले जाओगे तो उसमें जो घर्षण होगा, साइकिल के पहिए का अलग अलग भाग जमीन के संपर्क में आएगा। मान लो पहले हम स्पोक नंबर एक ले लेते हैं, साइकिल का पहला स्पोक जमीन के संपर्क में है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। तो इस स्थिति में जो घर्षण कार्य करता है वो क्या होगा, लोटनिक घर्षण कहलाता है। और यदि मान लीजिए ब्रेक लगा के साइकिल को खसिलाओ तो उसका एक ही भाग जमीन के संपर्क में रहेगा तो वो समय क्या हो जाएगा, वो सर्पी घर्षण, है ना। सर्पी घर्षण में एक ही पृष्ठ संपर्क में रहता है और लोटनिक घर्षण में अलग अलग पृष्ठ उसके संपर्क में आता है। जैसे बॉल फुटबॉल यदि लुढ़कते हुए जाएगी
तो उसमें कौन सा घर्षण होगा? लोटरी घर्षण होगा, है ना। एक साइकिल के एग्जाम्पल में समझ लो कि साइकिल में ब्रेक लगा के खिसलाओगे तो वो लोट सर्पी घर्षण होगा, और ब्रेक लगा के नहीं वैसे चलाओगे तो क्या होगा? लोटनिक घर्षण, ठीक है ना। तो घर्षण लिखिए, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का, जब एक पिंड के ऊपर दूसरे, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है तो उनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है, चलाने का प्रयास किया जाता है तो उनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो कि गति का विरोध करता है। उस गति विरोधी बल को ही घर्षण या घर्षण बल कहते हैं, ठीक। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है तो उनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। उस गति विरोधी बल को ही घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। इसका मुख्य कारण है वस्तु के पृष्ठ का खुरदुरापन, होना। ठीक, घर्षण दो प्रकार का होता है, उनमें से पहला है स्थैतिक घर्षण और दूसरा है गतिक घर्षण। इसमें वस्तु चलती नहीं है, यह दो प्रकार का होता है। घर्षण दो प्रकार का होता है, उसमें स्थैतिक घर्षण से वस्तु चलती नहीं है और इसमें वस्तु चलती है। यह दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सर्पी घर्षण और दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। इसमें वस्तु जो होती है क्या करती है, इसमें वस्तु फिसलती है, इसमें वस्तु लुढ़कती है।
ठीक है। घर्षण दो प्रकार का हुआ, एक स्थायतिक घर्षण, स्थायतिक इसमें वस्तु चलती नहीं है, ये आपको बता दें। जैसे वस्तु चलने की स्थिति में होती है पर चलती नहीं है, तो उस अवस्था में एक बल की सीमांत घर्षण भी कहा जाता है। स्थायतिक घर्षण में सीमांत घर्षण आता है, स्थायतिक घर्षण सीमांत घर्षण एक ही है, केवल अंतर इतने बात का है। स्थायतिक घर्षण में वस्तु चलती नहीं है और सीमांत घर्षण में वस्तु चलने की कगार पर होती है, मतलब चलने वाली हो जैसे, पर चलती उसमें भी नहीं है। इसीलिए सीमांत घर्षण और स्थायतिक घर्षण एक ही हाथ में लिया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको कोई ये बता दे कि घर्षण तीन प्रकार का होता है, कोई कह सकता है। अब पहला कह दे स्थायतिक घर्षण, वस्तु नहीं चलती है। गतिक घर्षण, वस्तु चलती है। एक सीमांत घर्षण, वस्तु चलने की स्थिति में होती पर चलती, तो फिर तो इसका मतलब वो कहो किस में आएगा, ठीक है ना। तो ये कहा जाता कहीं कहीं तीन प्रकार है ना, स्थायतिक वस्तु न चलना, गतिक वस्तु चलना और सीमांत घर्षण वस्तु चलने की स्थिति में हो, ठीक, चलने की कगार पर हो जिसको कह सकते हो, हैं कि बस चलने वाली पर चलती है ना। तो इसलिए स्थायतिक घर्षण और सीमांत घर्षण एक ही में लिया गया है, ठीक है ना। तो ये होता है, हमने क्या क्या कहा इसका घर्षण का कारण। जैसे देखो एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ठीक है, और किसी कोई दूसरी वस्तु ये है। और जब हम इसको, जब इस वस्तु को इसके ऊपर चलाने का प्रयास करेंगे तो इसके जो खांचे हैं यहाँ आके सेट हो जाएंगे, तो चलने में दिक्कत जाएगी। तो वही आय कहा है हमने, इसका मुख्य कारण है वस्तु के पृष्ठ का खुरदुरापन होना, ठीक है ना। अब तो ये यहाँ आके जब सेट हो जाएगा तो चलने में कठिनाई हो जाएगी। और वही जो गति विरोधी बल होता है घर्षण, यानी घर्षण जो होता है, घर्षण कैसा होता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि घर्षण बल की वजह से गति की दिशा में काम करे, घर्षण बल गति की दिशा में नहीं काम करेगा। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करेगा, सपोर्ट कभी नहीं करेगा, हैं। घर्षण गति का सदैव सपोर्ट नहीं, घर्षण बल जो होता है एक असंरक्षी बल होता है। संरक्षी असंरक्षी बल आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में, है ना, आगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। लेकिन घर्षण बल जो होता है बल का एक प्रकार है जो असंरक्षी है ना। तो लिखे दे रहे हैं बल की, घर्षण बल असंरक्षी बल होता है, कहीं लिख लो, घर्षण बल असंरक्षी बल होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। घर असंरक्षी बल का उदाहरण यदि आ जाए तो इट्ठो यही लिख देना, घर्षण बल है, स्यान बल है ना। तो लगता होगा ये असंरक्षी बल है तो कोई संरक्षी बल भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, विद्युत बल संरक्षी बल होता है, ठीक है ना। तो ये सब ये बाद में आपको संरक्षी असंरक्षी वाले टॉपिक में डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल आप इतना जानते रहिए, ठीक है ना। अब ये आपको बता दे जो स्थायतिक घर्षण होता है उसको इंडिकेट किया जाता है किससे, एफ एस से। जो गतिक घर्षण होता है उसको इंडिकेट किया जाता है किससे, एफ के से। स्थायतिक घर्षण जो है क्या है, एफ एस, और गतिक घर्षण क्या होता है, एफ के। और ये भी बता दें कि एफ एस जो है वो बड़ा होता है एफ के से, ठीक है ना। स्थायतिक घर्षण जो होता है वो गतिक घर्षण से क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होगा तभी ना वस्तु नहीं चलती है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने का प्रयास करते हैं, वस्तु चल ही नहीं रही है, इसका मतलब जो है कि गति विरोधी बल जो है यानी घर्षण बल बहुत ज़्यादा है। और जिसमें वस्तु चल भी रही है, घर्षण काम कर भी रहा है, इसका मतलब है कि वो घर्षण बल कमजोर है। इसीलिए कहा गया है कि स्थायतिक घर्षण जो है गतिक से बड़ा होता है या गतिक घर्षण स्थायतिक से छोटा होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है घर्षण के नियम।
घर्षण के नियम, इसमें सुनिए। पहला, घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल पृष्ठ संपर्क पृष्ठ के समांतर होता है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल जो होता है संपर्क पृष्ठ के समांतर होता है। घर्षण बल जो होता है संपर्क पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर, खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। लेकिन जो घर्षण बल होता है संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना? शेप और क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना? आप खुरदुरे पर निर्भर होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है, पर क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं होता, ठीक है? और घर्षण है, अब ये नियम अब क्या बताएं? क्षेत्रफल चाहे उसका बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे लेना देना, मतलब घर्षण बल का मान जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि ज़्यादा क्षेत्रफल है तो ज़्यादा घर्षण बल, कम क्षेत्रफल है तो, है ना? संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी प्रकृति पर निर्भर है कि जैसे खुरदुरा है, नुकीला है, क्या है, कैसा है, तो उस पर घर्षण बल निर्भर करता है, ठीक है ना? और जो घर्षण बल का मान होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ किसी कोसी पृष्ठ को समतल पर रखा गया है, तो इसका भार जो है नीचे की ओर कार्य करेगा, भार किधर कार्य करेगा, और ऊपर की ओर जो बल लगता है इसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया, इसको बोला जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया। मान लीजिए हम इधर, ये गति की दिशा है, क्या है? गति की दिशा है। किसकी दिशा है? तो इधर जो लगेगा वो किसकी दिशा होगी? घर्षण बल। क्यों? घर्षण बल गति की हमेशा क्या होता है? विपरीत होता है, है ना? ये इसका क्या है? भार है। और ये इसका क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया है। घर्षण बल को हम लिख दें क्या? एफ है। तो एक ठो नियम ये है कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं आर से, किससे? किसी किसी बुक में एन भी लिखा रहता है, है ना? तो एक ठो नियम यही है कि यह प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर। यह प्रोपोर्शनल आर, ठीक है ना? तो यानी हमने क्या कहा घर्षण के नियम में? पहला नंबर, घर्षण बल जो है गति के सदैव विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है संपर्क पृष्ठ के समांतर होता है। नंबर तीन, घर्षण बल का जो मान होता है वो संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर होता है, लेकिन संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। और घर्षण बल का जो मान होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल आर। और जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नीतांक लेते हैं म्यू, और इसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? तो म्यू बराबर यही क्या हो जाएगा? एफ बटे आर। कोई कहे घर्षण गुणांक किसको कहते हैं? तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या कहेंगे? घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है ना? तो घर्षण के नियम में लिखिए, नंबर एक, घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नंबर दो, घर्षण बल संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर होता है। घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल तथा आकार पर निर्भर नहीं होता है। घर्षण बल संपर्क
सतह के समांतर होता है। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती समानुपाती, यहाँ अनुक्रमानुपाती समानुपाती का मतलब बढ़ने से आया है, मतलब है, ठीक है ना। जबकि दोनों में वास्तव में कुछ ना कुछ अंतर है, ऐसा नहीं है। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती लिख दीजिए, ग्राफ में ऐसा आएगा कि अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर होता है। घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्र तत्फल तथा आकार पर निर्भर नहीं होता है। घर्षण संपर्क सतह के समांतर होता है। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि घर्षण बल F तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R है, तो F प्रोपोर्शनल R या F इक्वल टू म्यू R, जहां म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। या इसी को क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू एफ अपान आर। अब यहाँ पर क्या हुआ, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण गुणांक कहलाता है। मार्कर ही खत्म है। स्पष्ट है कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात घर्षण गुणांक कहलाता है, ठीक है। अब बताओ म्यू का मात्रक क्या होगा। ये एफ बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया भी एक प्रकार का बल ही होता है। घर्षण बल तो बल है ये है, पर अभिलंब प्रतिक्रिया भी क्या है, एक बल है, ठीक है। तो ये भी बल का मात्रक न्यूटन, इस बल का मात्रक भी न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कट गया, तो इसका मात्रक कुछ नहीं, यानी घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। लिख दो म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। अब म्यू मीन्स समझ गए हो ना, घर्षण गुणांक म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। विमीय सूत्र भी कुछ ना होगा। डी एफ की बात करें तो क्या, एम जीरो एल जीरो टी जीरो हैं, घर्षण गुणांक ऐसी राशि जिसका मात्रक और विमीय सूत्र कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये आपको पता है,
ये देखिए, ये आपको पता है कि एफ एस बड़ा होता है किससे, इसलिए जब यहाँ एफ एस बड़ा होगा एफ के से, तो म्यू एस भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, म्यू के से, है ना। स्थायतिक घर्षण जो है वो स्थायतिक घर्षण वाला बड़ा होता है गतिक घर्षण से, तो स्थायतिक घर्षण गुणांक और बड़ा होगा गतिक घर्षण गुणांक से। जैसे ये म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, इसी को म्यू एस लिख देंगे तो स्थायतिक घर्षण गुणांक, अब म्यू के लिख देंगे तो गतिक घर्षण गुणांक, ठीक है ना, याद रखिएगा जी। अब इसके आगे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घर्षण कोण, है ना, तो घर्षण कोण आप आगे वीडियो में देख सकेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब उसको पढ़ाया गया है। थैंक यू।